हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स एरर्स। वर्नियर कैलिपर्स में एरर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके ऊपर ये टॉपिक है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, तो देर इज़ नो नीड टू वरी ऑफ एरर्स, क्योंकि इसको हम लोग एरर लेस मानते हैं। बट कौन सा एरर वाला वर्नियर कैलिपर से उसकी अगर बात की जाए, तो उसकी अगर मैं स्केलिंग ड्रॉ करूँ, दिस इज जीरो ऑफ वर्नियर ऑफ मेन स्केल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट? सो 1, ओके, ये हमारा मेन स्केल है। अगर हमारा वर्नियर स्केल जीरो के राइट हैंड साइड है, मतलब कि यहाँ पर उसका जीरो स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, एंड दिस इज अवर 10, राइट? तो यहाँ पर वो भी आगे जाएगा, ओके? तो ये राइट हैंड डायरेक्शन में कुछ। अगर हमारा वर्नियर कैलिपर्स जो वर्नियर स्केल मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड डायरेक्शन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एरर। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एरर। बट यहाँ पर छोटा सा करेक्शन है, ये हमारी पॉजिटिव एरर है, इसको करेक्ट करेंगे नेगेटिव से, तो दिस इज अवर पॉजिटिव एरर, राइट? तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एरर, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट फिर भी वो कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है, तो ये हमारी पॉजिटिव एरर हो गई, करेक्ट करेंगे नेगेटिव से, ओके? तो जब कभी भी पॉजिटिव एरर है, हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर मेन स्केल, मेन स्केल कितना है, तो मेन स्केल है हमारा जीरो, जीरो लिखेंगे क्योंकि जीरो पे है, तो मेन स्केल इज जीरो, राइट? अब हमें फाइंड करना है कितनी एरर है पॉजिटिव में। तो पहले तो जो भी एरर का डिवीजन, जो भी कोइंसाइड हो रहा है, वो इनटू एलसी, तो इज इक्वल टू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ डिवीजन, राइट? फिफ्थ डिवीजन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बना रहा है, सो यहाँ पर मुझे 5 लिखना पड़ेगा इनटू एलसी ऑफ अवर वन ईयर कैलिपर, दैट इज 0.01, सो अवर वैल्यू इज 0.05, सो दिस वैल्यू इज अवर पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर को करेक्ट कैसे करेंगे, तो करेक्शन ऑफ पॉजिटिव एरर उसको नेगेटिव देके फिर करेक्ट करेंगे। सो जो भी हमारी वैल्यू होगी लास्ट में, जैसे कि लास्ट टाइम हमारी वैल्यू थी 4.32, तो उस वैल्यू में से इतने हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.05 जितना, सो वी गेट देन 4.27 सेंटीमीटर, सो दिस इज अवर परफेक्ट वैल्यू आफ्टर करेक्टिंग दी एरर, राइट? ओके, सिमिलरली अगर मेरा मेन स्केल का जो जीरो है वो यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड दिस इज 1, एंड वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड 10, तो फिर इस एग्जाम्पल में क्या करना चाहिए, ये हमारा जीरो है, ओके? तो अब स्टार्टिंग करनी है, पहले तो कौन सी एरर है, तो जब कोई भी हमारा वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट हैंड साइड होगा मेन स्केल से, तो वो होगी हमारी नेगेटिव एरर। अब नेगेटिव एरर में पहली चीज हमें मेन स्केल देखनी है, मेन स्केल कितनी है, तो मेन स्केल में यहाँ पर जीरो लेफ्ट हैंड साइड चला गया है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो जीरो से ही स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर जीरो, फिर एन इंटू एल सी सिमिलर। अब जो भी यहाँ पर, हाँ यस, नेगेटिव एरर में हमें एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर जो भी डिवीज़न है उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 10 डिवीज़न में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये पर्टिकुलर चीज़ नेगेटिव एरर में ही पॉसिबल है। तो आप याद रखो, पॉजिटिव एरर में डायरेक्ट कोइंसाइड टर्म लेनी है, और नेगेटिव एरर में 10 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर उसको काउंट करना है इनटू एलसी। सो यहाँ पर 10 माइनस कौन सा लाइन कोइंसाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सो यहाँ पर 7 इंटू एल सी इज 0.01, सो 10 माइनस 7 इज 3, 3 इंटू 0.01
इट इज 0.03, दिस इज अवर नेगेटिव एरर। सो उसका जो करेक्शन होगा विच इज पॉजिटिव, सो करेक्शन हियर इज इक्वल टू पॉजिटिव। करेक्शन अगर पॉजिटिव है और हमारी जो वैल्यू फाइंड की थी हमने अगर वो 4.32 है, तो 4.32 में ऐड करना है 0.03, देन वी गेट 4.35 सेंटीमीटर। सो आफ्टर गेटिंग करेक्शन हियर वी गेट दिस एक्यूरेट करेक्ट वैल्यू। सो नेगेटिव एरर में हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि कौन सा मार्क कोइंसाइड हो रहा है, और दिस इक्वेशन को आपको याद रखना है दैट इक्वेशन इज 10 माइनस 10, राइट। सो दैट्स अवर वर्नियर कैलिपर्स एरर्स, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।